दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर, लीवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग पे आप वीडियो बनाइए। तो आज हम पोल खोल करने वाले हैं लीवरेज ट्रेडिंग और मार्जिन ट्रेडिंग की। सबसे पहले मैं आपको एक ऑडियो सुनवाना चाहूँगा और कुछ ऑडियो सुनवाना चाहूँगा कि हमने जो है अपने जो फॉलोअर्स हैं या जिनसे हमारी बात होती है उनसे पूछा कि भैया, वो लीवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है। तो एक दो जो है आपको ऑडियो सुनवाते हैं, तो आप देखिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको आगे वीडियो देखनी है कि नहीं देखनी है। हमारी कोशिश है हम आपको सच्चाई बताएं, ना कि सिर्फ अपनी कमीशन के चक्कर में आपके पैसे मरवाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो है हम आपको सारी बातें डिटेल में बताएंगे और कौन से क्या एक्सचेंजेस कर रहे हैं, क्या फायदे करवा रहे हैं या आपके लिए गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो सारी बातें भी इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। बाकी एक्सचेंजेस पे कैसे ट्रेड करना है वो आप हमारी अगली वीडियो में देखिएगा। तो सबसे पहले ये ऑडियो सुनिए, उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है लीवरेज मार्जिन ट्रेडिंग और कैसे आपको करना है इसको। सर, पहले मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता था, उसमें ऐसी बैंड बजी कि ये लेवरेज ट्रेडिंग तो अभी लोगों ने अभी चालू किया है सुनना और समझना। इसको फॉरेक्स ट्रेडिंग को तो मैं 2011-12 में करके छोड़ चुका हूँ। ये तो मौत का कुआं है सर, पूरी तरह से इसमें मैं घुसूंगा नहीं। सर, मैं तो लीवरेज ट्रेडिंग से खुश हूँ, मेरी तो 50,000 से 1,00,000 तक की इनकम हो जाती है, तो मेरे लिए तो बढ़िया है। हमने एक रिपोर्ट बनाई है और इसके अंदर क्या है, देखो, लीवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग आप अगर सही तरीके से करोगे तो बहुत बढ़िया है। अगर आप गलत करोगे, जो कि 90 से ऑलमोस्ट 95% लोग करते हैं, तो आप जो है ज़ीरो हो जाओगे। जिसको हम यूजुअली, आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, नील बट्टा सन्नाटा आपका अकाउंट हो जाएगा, 1-2-3 महीने का आपका अकाउंट रहेगा, फिर वो चढ़ जाएगा भेंट और उसके बाद में आप जो है हाथ मसलते रह जाओगे और बोलोगे कि मैंने ये गलतियाँ करी। फिर होगा क्या, दोबारे बता देता हूँ, फिर दोबारे से आप वही गलती करोगे 3 महीने बाद में और फिर वही होगा। तो आप जो है ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हो, एक्चुअल में आप जो है जुआ खेल रहे होते हो। और आपको कहूँ कि वो जो शरीर में जो करंट दौड़ता है ना, वो ट्रेडिंग का, वो एड्रेनल जो कि शक्ति एक अलग आती है, दिन रात चार्ट देखते रहते हो और सारी चीज़ें करते हो ना, वो जो जो जोश भरा होता है ना जब आप ट्रेड के अंदर होते हो, तो वो उस मज़े के लिए आप करते हो, आप एक्चुअल में ट्रेड नहीं करते, आप जो है एक तरह का जुआ खेलते हो। तो ट्रेडिंग करने और जुआ खेलने में बहुत फर्क होता है, और लीवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग में खासकर जो लोग गलतियां करते हैं, उसके लिए हमने स्पेशली एक रिपोर्ट बनाई है और वो आपके साथ में आज मैं शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो होगी ये एक सीरीज के अंदर होगी। आज हम बात करेंगे कि लीवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, बेसिक क्या चीज़ें होती हैं, कौन से एक्सचेंजेस इसको ऑफर करते हैं और क्या उसके एडवांटेज हैं और क्या आप गलतियां कर रहे होंगे, और कुछ केस स्टडी इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। उसके बाद में अगली वीडियो हम लाएंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से एक्सचेंजेस पे आप ट्रेड कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, राइट। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपको बताने की लीवरेज पूरी ट्रेडिंग के बारे में और लीवरेज क्या होती है। और जो आप ये गोल गोल घूम रहे होते हो ना ट्रेडिंग को लेके, जो लीवरेज ट्रेडिंग को लेके 100 गुना 50 गुना और जो गलतियां कर रहे होते हो ना, तो इसी को आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपके दिमाग की बत्ती जो है जलाने की कोशिश करेंगे, आप कह सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ में। मैं आपका दोस्त पंकज, आपका अपने यूट्यूब चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, रेड बटन को दबा के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो रिपोर्ट हमने बनाई है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे कल से अवेलेबल होगी। तो अगर आप पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हो, रिपोर्ट भी लेना चाहते हो, तो आप हमारे टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। दोस्तों, सुनने में कितना अच्छा लगता है कि अगर मेरे पास 1,000 रुपये है तो मैं 10,000 रुपये का कुछ खरीद सकता हूँ या खरीद बेच कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ, या 40,000 का कर सकता हूँ, 1,00,000 का कर सकता हूँ या 4,00,000 तक का भी कर सकता हूँ। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो है आपको एक तरह की उधारी मिलती है लीवरेज ट्रेडिंग के अंदर, जिसको हम लीवरेज कहते हैं। अब समझने वाली बात क्या है कि जो मार्जिन और लीवरेज होते हैं वो लोग एक दोनों को एक चीज़ समझते हैं। एक्चुअल में मार्जिन अलग चीज़ होती है और लीवरेज अलग चीज़ होती है, लेकिन वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अब आपको समझाता हूँ कैसे।
मार्जिन जो होता है उसी के बेस पे आपकी लीवरेज जो है आप जनरेट करते हो, यानी कि उसके बेस पे आप उधारी लेते हो। तो मार्जिन आपको एक तरह से अमाउंट होता है, या आप सिक्योरिटी अगर क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में बोले तो आपके लिए जैसे कि बिटकॉइन, इथीरियम, वो आपकी या जो भी और क्रिप्टो करेंसी है वो आपकी मार्जिन होती है, और उसके बेस पे आपको एक्सपोजर देती है या क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज या दूसरी जो ब्रोकिंग कंपनीज होती हैं, जो एक्सचेंजेस होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर भी, या एक्सचेंजेस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के अंदर भी, या फॉरेक्स के अंदर भी। तो वो उसके बेस पे आपको जो उधारी देते हैं उसको आप सिंपल वर्ड के अंदर लीवरेज कहते हो। दोस्तों, दो टर्म को आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग या किसी भी ट्रेडिंग के अंदर, अगर आप फ्यूचर या लीवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं। एक होता है लॉन्ग पोजीशन बनाना और दूसरा होता है शॉर्ट पोजीशन बनाना। तो अक्सर आपको जो है लॉन्ग और शॉर्ट ही देखने को मिलेगा ज़्यादातर एक्सचेंजेस पे, टैब पे। तो जो आप शॉर्ट कहते हो यानी कि आप उम्मीद कर रहे हो मार्केट नीचे जाएगी और आप जो है अपनी पोजीशन बेच सकते हो, और लॉन्ग करना यानी कि आप उम्मीद कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी, आप बुलिश हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि आप जो है उससे ऊपर मार्केट जाएगी तो पैसा कमाएं। दोस्तों, जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है उसके अंदर आप जो है अपनी पोजीशन को बेच नहीं सकते, यानी कि अगर आपको पता है कि रेट नीचे जाएगा तो आप जो है नीचे रेट यानी कि बेच कर उससे फायदा नहीं कमा सकते। लेकिन लीवरेज और फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर यही बेनिफिट है कि आप दोनों तरफ से, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप उसको बेच के भी कमा सकते हो, और आप उम्मीद कर रहे हो पॉजिटिव जाएगी तो आप उसको जो है बाय करके भी कमा सकते हो। और ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हो मार्जिन के साथ में, यानी कि उधारी पे लेके 5x, 10x, 20x। तो यही लोग जो है यूजुअली इसको इस्तेमाल करते हैं और तभी इसी से बड़ा पैसा बनाते हैं। तो इसको समझाने के लिए बात करते हैं कि 18,000 पे कई लोग होंगे जिन्होंने फ्यूचर के अंदर बिटकॉइन को बेचा होगा, यानी कि उन्होंने अपना जो है शॉर्ट पोजिशन क्रिएट की होगी, और मान लीजिए वो अगर अभी तक उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए ला रहे होंगे या सस्टेन किया होगा तो उनको कितना फ़ायदा होगा। छोड़ दीजिए अगर 5x, 10x, 20x का, लेकिन अगर मान लीजिए आपको पता है कि आप नेगेटिव हैं कि बिटकॉइन का रेट इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो 18,000 से उन्होंने $3,000 अगर आ गया था बिटकॉइन और उन्होंने शॉर्ट कर दिया अपना, यानी कि वहाँ बेच दिया फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर या लीवरेज ट्रेडिंग के अंदर शॉर्ट कर दिया, तो आज वो नुकसान में नहीं है, यानी कि उनके फंड की वैल्यू $18,000 ही है। तो ये जो है एडवांटेजेस होती है। लेकिन कई लोग जो है लालच करते हैं, और इसी वीडियो में हम आगे बताएंगे कि उनके साथ होता क्या है। दोस्तों, अमूमन जो मैक्सिमम लीवरेज मिलती है वो जो है फॉरेक्स के अंदर मिलती है, और अगर क्रिप्टो से कंपेयर करें फॉरेक्स को तो आप 1,000 पे फॉरेक्स के अंदर 400 जो है गुना तक की लीवरेज ले सकते हो। इसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न छोटा सा होता है क्योंकि जो फॉरेक्स होता है वो USD येन के अंदर या यूरो के अंदर तो पेयर होते हैं, वो करेंसी होते हैं, जो कंट्रीज की करेंसी होती है उसमें आप ट्रेड करते हो, और उसमें जो वेरिएशन होता है ना वो बहुत ही कम होता है। अगर 0.5% 1% बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए उसमें जो है आपको एक्सपोजर भी ज़्यादा मिलता है, लीवरेज भी ज़्यादा मिलती है। लेकिन कहानी आती है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जहाँ पे हम हैं और हम इसी की वजह से फंसते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1% क्या 10-15-20% भी जो फ्लक्चुएशन एकदम से आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यही रीज़न है, इस वजह से हम लोग जो है ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी में अगर हम लीवरेज और मार्जिन ट्रेडिंग को इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम एक्सपोजर लेते हैं 100 गुना, 50 गुना, 20 गुना, तो हमारी जो पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाती है। दोस्तों, ये लिक्विडेट और लिक्विडेशन क्या होती है, ये बहुत बड़ा जो खतरनाक शब्द है इस लीवरेज इंडस्ट्री के अंदर, तो इसी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको बता दें मैक्सिमम जो फॉरेक्स के अंदर लीवरेज मिलती है वो 400 गुना और क्रिप्टो करेंसी के अंदर 100 गुना, और अगर मिनिमम की बात करें, अगर आप 1x भी कर रहे हो तो आप करते होंगे, तो आप कह सकते हो अगर आपके पास में मान लीजिए 25 पैसे हैं तो आप जो है 100 रुपये की चीज़ खरीद सकते हो फॉरेक्स के अंदर, और क्रिप्टो के अंदर अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 100 रुपये की चीज़ खरीद सकते हो, 100 गुना मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर।
दोस्तों बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमें से और टेक्निकली समझना चाहते हो तो आप हमें बताइएगा कमेंट के अंदर, तो हम जो है इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब समझने की कोशिश करते हैं क्यों और कैसे लीवरेज ट्रेडिंग को इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। बेसिकली लीवरेज ट्रेडिंग को दो तरीके के लोग इस्तेमाल करते हैं, एक होते हैं इन्वेस्टर और दूसरी होती है कंपनीज। दोस्तों अगर हम और आप सबकी बात करें तो वो इन्वेस्टर की कैटेगरीज में आते हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं होता कि उसको रखना तो है नहीं उन्होंने उस कॉइन को। उनका क्या होता है मेन पर्पस कि कम से कम अमाउंट के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाएं और उससे प्रॉफिटेबिलिटी कर पाएं, तो इसी वजह से लीवरेज को यूज किया जाता है। दोस्तों फॉर से एग्जांपल की तरह इन्वेस्टर, अगर इन्वेस्टर के नजरिए से समझाने की कोशिश करूं तो मान लीजिए मेरे पास में $100 हैं, तो मैं जो है आप कह सकते हो $10,000 का माल खरीद सकता हूँ, क्या है क्रिप्टो करेंसी खरीद सकता हूँ या स्टॉक खरीद सकता हूँ या फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर सकता हूँ, यूएसडी के अंदर ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो मुझे पता होना चाहिए ये क्या आपको ध्यान रखना है, वो आगे वीडियो में इसी में बताएंगे, लेकिन आपके पास में एक्सपोजर कितना ज़्यादा हो जाता है और यही रिस्क भी जो है, यही रिस्क का और यही आपकी पोजीशन उड़ने का और आपका दिवालिया निकालने का भी रीज़न होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी आती है ग्रीड। इस बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन दोस्तों लीवरेज के अंदर मैं अगर सामान लेता हूँ तो मेरा रिस्क ₹10,000 पे लेने के लिए या $10,000 का कुछ सामान खरीदने के लिए, बिटकॉइन इथेरियम या कोई और स्टॉक करेंसी खरीदने के लिए, मेरा रिस्क सिर्फ $100 का है। अगर मेरा नुकसान होगा तो सिर्फ $100 का होगा, ये इसका पॉजिटिव पहलू है। यानी कि आप कह सकते हो कि मुझे $10,000 रखने की ज़रूरत नहीं है, और जो अगर मान लीजिए अगर मैं $100 से ख़रीदता हूँ 100x की लीवरेज के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि मेरे पास में $9,900 स्पेयर पड़ा हुआ है कहीं और इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ और करने के लिए। तो ये इसका सबसे बड़ा चार्म है और यही जो है सबसे खतरनाक चीज़ भी है। वो कैसे होगी आगे आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन अब जो दूसरे तरीके के लोग होते हैं वो होती हैं कंपनीज। अब कंपनीज क्या होती है, हेजिंग करने के लिए, और ज़्यादातर जो कंपनीज होती हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल के अंदर जो डील करती हैं या क्रूड ऑयल के अंदर जो डील करती हैं या जिनका जो सामान होता है, जो उनका रॉ मटेरियल होता है वो मार्केट के प्राइस ड्रिवन होता है, ज़्यादातर वो कंपनीज जो है इस लीवरेज का फ़ायदा उठाती हैं या कोशिश करती हैं। मान लीजिए उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेते हैं स्टील का, या फॉर एग्जांपल गोल्ड सिल्वर कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए उनको कोई स्टील की कंपनी है, अब स्टील का रेट है ₹100 किलो। अब मान लीजिए उन्होंने 1,00,000 किलो लिया, तो ₹100 किलो के हिसाब से 1 करोड़ का उनको माल मिलना चाहिए। अब उनको पता है कि मान लीजिए अगर रेट बढ़ जाता है तो वहाँ पे उनको नुकसान नहीं होगा अगर वो 3 महीने 2 महीने बाद भी जो है वो सामान को लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे अपना रेट फिक्स कर दिया इसी लीवरेज और हेजिंग के थ्रू। तो उनको मान लीजिए 100 का ₹150 भी हो जाए तो कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन 5% या 1% के अंदर उन्होंने अपने माल को सिक्योर कर लिया। अगर 5% रेट नीचे भी आ जाता है तो उनका 5 लाख का नुकसान होगा, लेकिन अगर ₹5 बढ़ जाता है, ₹10 बढ़ जाता है या 50-100 रुपये बढ़ जाता है तो उनका कितना नुकसान हो सकता है, उनको कितना महंगा खरीदना पड़ेगा। यही कारण है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मेनली क्रूड ऑयल या आप कह लीजिए कि जैसे कि मेटल रिलेटेड कंपनीज होती हैं वो इस लीवरेज को यूज़ करती हैं। अगर जब रेट डाउन आता है मेटल्स का या ऑफ सीजन के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं तो वहाँ वो बाय करते हैं, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो 6 महीने या आप कह लीजिए 12 महीने 3 महीने आगे का कुछ फ्यूचर खरीद लेते हैं या कुछ करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है उनको जो है सस्ता माल मिलने के चांसेस आते हैं। अगर लॉस होगा तो वो 5-10% का अपना हिसाब किताब मार्जिन लेके चलते हैं कि इतना लॉस वो बियर कर सकते हैं, तो कंपनीज यूजुअली ये करती हैं। तो ये दो लोग हैं जो इम्पोर्टेंटली लीवरेज ट्रेडिंग को, मार्जिन ट्रेडिंग को यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारी जो पहलू होते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग और बहुत और कैसे कैसे होता है वो बहुत टेक्निकल जार्गन है। एज अ लेमैन क्रिप्टो करेंसी में आई डोंट थिंक सो आपको ज़्यादा ज़रूरत है ये समझने की, लेकिन आपको एक दो एग्जांपल जो दिए हैं आई होप आपको इससे थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि ये लीवरेज ट्रेडिंग होती क्या है और मेनली किस लिए यूज़ होती है। अब दोस्तों बताते हैं और समझाते हैं लीवरेज ट्रेडिंग के अंदर सबसे खतरनाक शब्द की, वर्ड की, जो कि है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन और कई बार कहते हैं कि पोजीशन लिक्विडेट हो गई है या आपका माल उड़ गया है,
तो अक्सर आपने ऐसी फोटोग्राफ्स जैसे फोर्स लिक्विडेशन, कंपनी ने लिक्विडेट कर दिया है या ब्लास्ट हो गया है, तो आपको एक्सप्लोजन डिटेल्स कैसे हुई है, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको अमूमन देखने को मिलती होंगी अगर आप लीवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसकी, क्या कितने से बड़ा धुरंधर हो या कोई भी हो, जिसकी पोजिशन कभी ना कभी लिक्विडेट नहीं हुई हो, यानी कि उसका मार्जिन उड़ ना गया हो, या उसकी जो है फोर्सफुली कंपनी या एक्सचेंज ने जो है उसका माल जो है काट ना दिया हो। दोस्तों आपको कंफ्यूज ना करने के लिए यूजुअली मैंने ईथर का एग्जांपल लिया है, बिटकॉइन के साथ में भी हो सकता है या आपका डॉलर पाउंड किसी में भी हो सकता है। तो मान लीजिए आपने एक ईथर आपके पास में था और आपने 50x फॉर चलो एग्जांपल लेते हैं 20x की एक्सपोजर लिया, यानी कि आपने एक इथीरियम के ऊपर 20 इथीरियम की पोजीशन क्रिएट कर ली। अब आपको फायदा होगा तो 20 इथीरियम का होगा और नुकसान होगा तो सिर्फ एक इथीरियम का होगा, ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन अब आपने 20x पे किया है तो यानी कि आपके पास में 5% का मार्जिन है। आपके पास में एक इथीरियम अगर कैलकुलेट करोगे 20 इथीरियम से तो परसेंटेज में आता है वो 5%। अगर इथीरियम 5% मान लीजिए मैंने वो लॉन्ग किया, यानी कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मान लीजिए $100 पे मैंने एक इथीरियम को 20 इथीरियम की पोजीशन बनाई, अगर 100 का 105 हो जाता है तो आपको एक इथीरियम का फायदा होगा। लेकिन अगर वो 5% गिर जाता है, यानी कि 5% नीचे आ जाता है, तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी, कंपनी ऑटोमेटिकली उसको लिक्विडेट कर देगी, जो कंपनी का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो उसको ऑटोमेटिकली लिक्विडेट कर देगा और आपकी जो पोजीशन होगी वो वहाँ पे वो सेल ऑफ कर देंगे। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपने तो 5% का रिस्क के हिसाब से मार्जिन लिया है। अब उनका जो रिस्क मैनेजमेंट जो सिस्टम होता है कंपनीज का, एक्सचेंजेस का, वो ये देखता है कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप मार्जिन, आप मान लीजिए 5% नीचे आ रहा है तो कंपनी आपको मेल करेगी कि भैया और मार्जिन डालिए और अपनी पोजीशन को मेंटेन रहने दीजिए। तो आप क्या करोगे, आप एक इथीरियम और डाल दोगे तो आपकी जो माल उड़ने की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी $90 तक आपकी पोजीशन नहीं गिरेगी। लेकिन अगर आपने माल जो मार्जिन है वो नहीं भरा और उसके अंदर अमाउंट नहीं डाला तो कंपनी ऑटोमेटिकली उसका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ये देखेगा कि आपने तो दिया नहीं है। अब अगर मान लीजिए और नीचे आ जाता है तो फिर जो भी नुकसान होगा, क्योंकि आप तो 5% का लेके बैठे हो, जो भी नुकसान होगा वो कंपनी का होगा। तो कंपनी इसी चीज़ को देख के ऑटोमेटिकली उसका जो सिस्टम है वो आपकी पोजीशन को टेक ओवर कर लेता है और लिक्विडेट कर देता है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के अंदर खासकर मैं आपको बता दूं, कहने के लिए तो आपको 5% का जो है मार्जिन होता है, लेकिन जो इनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है एक्सचेंजेस का, तो अगर मान लीजिए 5% 20x पे आपने लिया है तो 95 रुपीज़ आने का वेट नहीं करता, वो जो है आपका 70% के आसपास, जैसे आपकी पोजीशन नीचे आएगी आपके मार्जिन के हिसाब से, तो मार्जिन अगर आपका 70% तक कम हो गया तो वो ऑटोमेटिकली लिक्विडेट कर देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, और एक्सचेंजेस टू एक्सचेंजेस ये डिपेंड करता है, कोई 60% पे आपका मार्जिन कम हो जाता है, यानी कि आपका 5% का मार्जिन है उसका अगर 70% और कम हो गया, तो अगर $5 का 70% अगर कैलकुलेशन करोगे तो मोटा मोटा $3.5 $4 के नीचे अगर आपकी पोजीशन आ जाती है तो वो $95 का वेट नहीं करेंगे, वो इससे पहले कर देंगे। तो ये भी जो है एक्सचेंजेस टू एक्सचेंज डिपेंड करता है, तो इस बात का भी इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर, लीवरेज ट्रेडिंग के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं, जहां रिस्क है वहां रिवॉर्ड भी है, तो ऐसा नहीं है लिक्विडेट होती है पोजीशन, तो आप देख सकते हो हम जो है इसमें कमाते भी हैं, 200% का रिटर्न, 70% का रिटर्न बिटमैक्स पे, होवोई पे, कॉइनएक्स पे 42%, एक इथीरियम, दो इथीरियम। तो ऐसा नहीं है, जहां फ़ायदा होता है हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। अब यहां पे आप देख सकते हो 20x पे अगर मैंने मेरा $10 बढ़ जाता है तो $100 के हिसाब से, तो मेरे पास में दो इथीरियम, मेरा एक का डबल भी हो सकता है लेकिन नुकसान भी होता है। अब क्या ये प्रॉफिटेबल होती है, सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या लीवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अगर आप इन 4-5 फैक्टर्स पे ध्यान दें। सबसे पहला फैक्टर है मार्केट ट्रेंड। आपको पता होना चाहिए, कभी भी बहती नदी के अगेंस्ट में तैरने की कोशिश मत करो, थोड़ी देर में थक के डूब जाओगे। अक्सर लोग यही करते हैं
कि मार्केट ट्रेंड बुलिश होता है तो वो शॉर्ट करते रहते हैं, बेयरिश ट्रेंड में रहते हैं, और जब मार्केट ट्रेंड आपका बेयरिश होता है तो वो बुलिश उम्मीद करते हैं कि दोबारा से अपना दिन आएगा, अपना दिन आएगा, और वो अपने दिन के आने के चक्कर में वो खुद ही चले जाते हैं। तो मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट में आपको समझना पड़ेगा मार्केट ट्रेंड क्या कैसे काम करता है, टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल एनालिसिस, क्योंकि ये आम ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, ये लीवरेज ट्रेडिंग की बात हो रही है, और यहाँ पे 1-5% का फ्लक्चुएशन आपकी पोजिशन को उड़ा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और न्यूज़ की बेस भी जो होते हैं, न्यूज़ सबसे बड़ा कारण होता है पोजिशन लिक्विडेट करने का, और नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ पर बहुत डिपेंड करता है। दोस्तों अगर आप लीवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो तो 2x 3x से ज़्यादा हम सजेस्ट नहीं करेंगे अगर आप न्यूज़ के बेस पे किसी कॉइन या किसी के अंदर लीवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं न्यूज़ नेगेटिव पॉजिटिव आने के, और आपने देखा होगा क्रिप्टो करेंसी 5-10-15% ऐसे ही टूट जाती है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। न्यूज़ बेस अगर वर्किंग कर रहे हो तो वी सजेस्ट कि सारे ओवरऑल सिनारियो को आपको देखना चाहिए पहले कभी लीवरेज ट्रेडिंग करने से पहले। अब बात करते हैं कि आखिरी में आता है आपके स्किल कैसे डेवलप होंगे। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, मार्केट ट्रेंड को समझना पड़ेगा, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आएगा, एक दिन में आपको नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जितना जल्दी इस चीज़ को सीखेंगे, अच्छे से ट्रेड करना सीखेंगे, तो आप जो है आराम से कर पाओगे। और आखिरी में जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपका लालच आपको मारता है, अगर आप इसके अंदर ग्रीडीनेस दिखाओगे और पेशेंस नहीं रखोगे तो आपके लिए आपके अकाउंट का अंत होना निश्चित ही है। अब दोस्तों कुछ केस स्टडी आपके साथ में शेयर करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। रिसेंटली अभी जो है April 4 का केस ले लेते हैं इथेरियम का, और एक केस लेंगे हम नवंबर 2018 का, तो इसमें आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मैन्युपुलेशन कैसे होती है और आपकी पोजिशन कैसे उड़ती है। तो सबसे पहले हम जो है केस लेते हैं आप जो रिसेंटली इसी महीने का अप्रैल का, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है और कैसे आपकी पोजीशन लिक्विडेट होती है और कैसे फ्यूचर जो है ट्रेडिंग या लीवरेज ट्रेडिंग खतरनाक इतनी क्यों होती है। दोस्तों आपको ये भी समझना पड़ेगा दो टाइप की आप ट्रेडिंग करते हो, एक होती है अमूमन 2x 3x 1x, जो कि आप एक तरह से आपका जो पोजिशन होती है, जो आपके पास जो माल पड़ा होता है इथेरियम बिटकॉइन उसके अगेंस्ट में आप जो है उनसे उधारी लेते हो और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। दूसरे तरीके की लीवरेज ट्रेडिंग लोग करते हैं वो होती है कोर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फ्यूचर ट्रेडिंग, यानी कि आप उम्मीद कर रहे हो फ्यूचर में ये प्राइस हो सकता है, और जो मेन जो नॉर्मल इंडेक्स प्राइस होता है उससे फ्यूचर का प्राइस, अगर मार्केट बुलिश होती है तो फ्यूचर का प्राइस 2-3% ऊपर होता है, और मार्केट बेरिश होती है तो फ्यूचर का प्राइस नीचे भी हो सकता है, कई बार बहुत जो है सेम ही प्राइस रहता है, तो आपको ये दोनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अब दोस्तों क्वार्टर का जो इथेरियम का क्वार्टर है फ्यूचर उसका थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही मार्केट $4,000 से $5,000 बिटकॉइन उछला था तो इथेरियम का प्राइस भी $140 से $185 तक गया था। एक्चुअल में इंडेक्स प्राइस जो है मेन प्राइस है वो 70-175 तक गया था, लेकिन फ्यूचर के अंदर 185 तक गया था, और आप देख सकते हो ठीक चार्ट के अंदर 30-45 मिनट के अंदर ही वो एकदम से जैसे मार्केट बिटकॉइन थोड़ा सा टूटा 2-5%, तो धड़ाम से ये 15-20% टूट गया। अगर आपने 10x पे बनाई होगी पोजीशन तो आपका जो है माल लिक्विडेट हो जाएगा, अगर आपने 20x पे बनाई होगी तब भी आपका माल लिक्विडेट हो गया होगा, यानी कि माल उड़ गया होगा, और अगर आपने अगर जैसा कि एक्सचेंजेस का जो टर्म होती है कैलकुलेशन होती है, अगर आपने 5x पे भी लिया होगा तब भी आपका माल उड़ गया होगा इस केस के अंदर। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है, ऑलमोस्ट 20% का क्रैश हो जाए और आपकी 5% की पोजीशन भी हो तब भी वो लिक्विडेट हो सकती है, अगर आपने उसके अंदर और फारदर इथेरियम नहीं डाले या आपने जो अमाउंट जिसकी आप ट्रेडिंग कर रहे हो लीवरेज वो नहीं भरा मार्जिन। यहीं पे आपके स्किल काम आते हैं, यहीं पे पता चलता है कि आप ट्रेडिंग कैसे करते हो। अब कई लोगों ने पोजीशन बनाई होगी लॉन्ग की, यानी कि बाय किया होगा $185 पे, उम्मीद कर रहे होंगे $200 की, और कई लोग जो है उम्मीद कर रहे होंगे $150 पे आने की, उन्होंने शॉर्ट किया होगा। यही फ़ायदा और यही नुकसान होता है कि आप यहाँ पे बेच के भी पैसा बना सकते हो। 185 पे किसी ने सेल किया हो पोजीशन को
और नीचे 150 पे बाय कर लिया हो तो वो जो है 20% अप होगा। तो कई लोग ऐसे करते होंगे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं खासकर वो ऐसा काम करते हैं। और आम लोगों को जो है सिंपल सी बात बताऊं कि इतना आसान नहीं होता ये चीज़ों को समझना, लेकिन जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों केस लेते हैं दूसरा, और दूसरा जो केस है वो है नवंबर का। अब नवंबर की बात करें कि आप देख सकते हो $200 चार्ट के अंदर, जैसा देखा होगा $200 के आसपास बिटकॉइन था और अगले 2-3 दिन के अंदर ही वो 141 पे आ गया था। एक्चुअल में वो 141 पे नहीं आया था, एक्चुअल में रेट जो था वो $168 के आसपास आया था, लेकिन फ्यूचर के अंदर उन्होंने 15% और तोड़ दिया। और जब मैं उस जब वो चार्ट को स्टडी कर रहे थे तो पता जो रियलाइज़ हुआ, दूसरे और फ्यूचर एक्सचेंजेस पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन कई एक्सचेंजेस ने अपना जो है पोजीशन को मैन्युपुलेशन करके या ऐसे करके तो वो जो है बहुत लोगों की, लाखों लोगों की पोजीशन लिक्विडेट करी होगी। तो ऐसी मैन्युपुलेशन भी चलती है। तो यहाँ पे एक्सचेंजेस के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आप उसको कंट्रोल नहीं करते हो, तो ये भी आपको जो है दिमाग में रखना है और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करनी है कि क्या आप उसका शिकार तो नहीं हो रहे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट केस हैं कि आपको जो है आप आइडिया दे सकते हैं कि आपकी पोजीशन कैसे लिक्विडेट हो सकती है और आप कैसे उसके अंदर फ़ायदा भी कमा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन कौन से क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस हैं जो लीवरे ट्रेडिंग को ऑफर देते हैं या ऑफर करते हैं। तो आपको मोटा मोटा जो है चार एक्सचेंजेस हैं जो टॉप एक्सचेंजेस में से आते हैं वो देते हैं। ऐसे तो बहुत सारे होंगे लेकिन मेन चार हैं बिटमैक्स, हुबोई या हयोबी बहुत लोग बोलते हैं, OKX, bitmax.io, BitMEX एक अलग एक्सचेंज है, BitMEX एक अलग एक्सचेंज है। लीवरेज की बात करें मैक्सिमम अगर बिटकॉइन के अंदर बात करें बिटमैक्स पे 100x है और दूसरों में 50x तक है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा और आगे समझाऊंगा, लेकिन कंपेयर करते हैं पहले इन एक्सचेंजेस के बारे में। तो जो हयोबी है उस पे 20x है, OKX पे आप 20x तक की मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हो और बिटमैक्स पे आप 10x तक की कर सकते हो। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है कि जो पेयर्स होते हैं जिस पे आप ट्रेडिंग करते हो वो बिटमैक्स पे 8 ही हैं सिर्फ, हयोबी पे या होबी पे 35 हैं, OKX पे 12 हैं और बिटमैक्स पे 23 हैं। तो आप कह सकते हो कि जो ट्रेडिंग के लिए अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग करना चाहते हो क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो है आपके पास में प्लेटर में कितने कॉइन हैं और कौन कौन से कॉइन्स के अंदर आप ट्रेड कर पाओगे। बिटमैक्स के अंदर जो सबसे बड़ी कमजोरी है बिटमैक्स जो 100x लीवरेज दे रहा है कि उसके अंदर वो तो एक तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दूसरी जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है उसके अंदर आप सब कुछ बिटकॉइन में लेना देना करते हो। यानी कि अगर आपको इथीरियम की पोजीशन भी बनानी पड़ेगी या ट्रॉन की या कार्डानो की पोजीशन भी बनानी है, रिपल की पोजीशन बनानी है, तो भी आपको बिटकॉइन से बाय करना पड़ेगा और ऑटोमेटिकली आपको बिटकॉइन ही मिलेगा। तो ये उसके अंदर सिंपल फंडा है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास में इथीरियम है और मैं इथीरियम की पोजीशन बनाना चाहता हूँ, तो जो दूसरे एक्सचेंजेस हैं जैसे हायोबी हो गया या बिटमैक्स हो गया .io वाला, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलते हैं कि आप और बहुत सारे कॉइन्स, मैक्सिमम कॉइन्स वहाँ पर हैं उसके अंदर अपनी पोजीशन बना सकते हो और वहाँ पे उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो इन सिंपल वर्ड अगर मेरे पास नियो है और मैं उसमें 2x का कुछ बाय करना चाहता हूँ, 3x का बाय करना चाहता हूँ, तो मुझे बिटकॉइन में कन्वर्ट करके उस पर जो है करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उस पर जाके ए सिंपल सा जो मार्जिन ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो ये एक एडवांटेज है हयोबी और बिटमैक्स पे। तो हमें जो एक्सपीरियंस से लगा कि अगर आप देखो, हम कभी भी 100x के लिए एडवाइस कभी नहीं करेंगे आपको जो लीवरेज ट्रेडिंग करने की, क्योंकि वोलेटाइल इतनी होती है और हम कभी भी 3-5x से ऊपर आपको ट्रेड करने की सजेशन नहीं देंगे, क्योंकि चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जैसी कोई नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो आपका लिक्विडेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो 2x मैक्सिमम 3-5x से ज़्यादा कभी भी हम आपको एडवाइस नहीं करेंगे कि आपको लीवरेज ट्रेडिंग के अंदर करना चाहिए, प्रोवाइडेड आपके पास में कोई स्ट्रॉन्ग टिप या कुछ आपको कुछ ऐसी आइडिया ना हो जो आपके लिए हानिकारक हो। तो आप सबको बिटमैक्स हम सजेस्ट नहीं करेंगे। इसके अंदर दो एक्सचेंज जो निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं हयोबी और बिटमैक्स। इनके जो लिंक हैं वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इन पे रजिस्टर कर सकते हैं। अब इसमें आगे ट्रेडिंग कैसे करनी है अगर आपको पसंद आई होगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इन एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग कैसे करनी है वो भी आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लाएंगे। फिलहाल अभी की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही कि आपको ये समझा सकें कि लीवरेज मार्जिन ट्रेडिंग कैसे होती है और कौन कौन से एक्सचेंजेस उसको ऑफर करते हैं।
हायोबी और बिटमैक्स को बताने का एक और रीज़न भी था, क्योंकि उस पर टोकन ज़्यादा हैं, कॉइन ज़्यादा हैं फ्यूचर लिवरेज ट्रेडिंग करने के लिए, प्लस सबसे पुराने एक्सचेंजेस में से एक है, आप कह लीजिए कंपेयर करें दूसरे एक्सचेंजेस से तो बहुत पुराने एक्सचेंजेस में से ये है। तो ये भी एक रीज़न जो है हमने हायोबी आपको रेकमेंड किया करने के लिए। और जो सबसे अच्छी बात क्या है कि एक ही प्लेटर में सब कुछ है, वहाँ पे आप स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हो, वहाँ पे आप मार्जिन ट्रेडिंग भी कर सकते हो, वहाँ पे लीवरेज ट्रेडिंग फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही आप स्पॉट पे जो है आप आर्बिट्राज भी कर सकते हो, तो सब कुछ कर सकते हो, तो बहुत सारे अकाउंट बना के रखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं आप उसका भी आइडिया लगा होगा और आगे से वो गलतियाँ नहीं दोहराएंगे और क्या बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको करना भी है या नहीं करना, उसका फैसला भी आप अच्छे से ले पाएंगे। तो अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मोटिवेशन बना रहता है उस चीज़ से, ताकि हम ऐसी जो है वीडियोस आपके लिए लाते रहें। चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो, हमारे साथ में नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा रेड बटन को दबा के, ताकि आप जो है हमारी वीडियोस रेगुलर लगातार देखते रहें, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा आप सब अपने फैमिली फ्रेंड जहाँ आपका मन करे। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।